समाजवादी पार्टी का अधिवेशन चल रहा है, अखिलेश यादव कह रहे हैं भाजपा से सिर्फ समाजवादी पार्टी ही लड़ सकती है, क्या कहेंगे? वो घर में पहले लड़ ले फिर हम लोग से लड़ लेंगे, वो पहले अपने घर में लड़ ले। मुझे लगता है कि उनके घर की ही लड़ाई खत्म नहीं होगी, वो हम लोगों से क्या लड़ेंगे। देखिए देश के लिए जो भी सही है और उपयोगी है उसके लिए हम लोग सरकार प्रतिबद्ध है, हर फैसला लेने के लिए कितना भी कड़ा से कड़ा फैसला हो वो फैसला लेने से सरकार पीछे नहीं हटेगी। बात जब देश की सुरक्षा की हो, बात हमारे देश के लिए हो, तो कोई भी फैसला सरकार आसानी से लेगी। लेकिन विपक्षी पार्टियां अभी कह रहे हैं कि सरकार का फैसला सही नहीं है और सरकार कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, इसीलिए विपक्षी पार्टियां विपक्ष में है, उनको इसीलिए जनता ने नहीं चुना है, क्योंकि देश के हित में कोई काम होता है तो विपक्ष चिल्लाने लगता है और इसीलिए वो विपक्ष में है और विपक्ष में ही रहेगा। उसको कभी सत्ता में आने का मौका जनता नहीं देगी, क्योंकि जनता को चाहिए कि हमारे देश के लिए जो हित में हो वो काम हो। तो अगर प्रचंड बहुमत में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है तो इसीलिए बनी है कि देश हित में जो भी फैसला है उसको लेने से वो पीछे नहीं हटते। समाजवादी पार्टी का अधिवेशन चल रहा है, अखिलेश यादव कह रहे हैं भाजपा से सिर्फ समाजवादी पार्टी ही लड़ सकती है, क्या कहेंगे? वो घर में पहले लड़ ले फिर हम लोग से लड़ लेंगे, वो पहले अपने घर में लड़ ले। मुझे लगता है कि उनके घर की ही लड़ाई खत्म नहीं होगी, वो हम लोगों से क्या लड़ेंगे। सर जो विकास के जो शहर के एजेंडे का काम था, सड़कों का काम था और भी काम था, अभी क्या क्या शुरुआत हुई? हम लोगों ने सारे काम दे दिए हैं और प्राथमिकता के आधार पे जो जो काम है उसको पहले शुरू किया जा रहा है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुझे हमारे मुख्यमंत्री जी जब आए थे तो उन्होंने सारी जितनी परियोजनाओं का उद्घाटन किया था उसे शुरुआत कर दिया गया है और एक एक करके सब बनना शुरू हो गया। एयरपोर्ट वाला कुछ काम, कुछ डेडलाइन मिली आपको? एयरपोर्ट का तो निर्माण हो ही चुका है और अब जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात आई है तो उसके लिए काम हो रहा है, जमीन अधिग्रहण होने के बाद उस पर काम शुरू होगा। लेकिन अभी बीच में जब महाराज जी आएंगे आजमगढ़ तो एयरपोर्ट का शुरुआत हो जाएगा, उद्घाटन हो जाएगा। दिनेश जी, आजमगढ़ के 3 लोग इथोपिया में फंसे हैं, 50 दिन हो चुके हैं, जिला प्रशासन के साथ साथ जनप्रतिनिधियों से भी गुहार लगा चुके हैं, क्या मदद की जाएगी इनकी? मैंने इसके लिए विदेश मंत्रालय में बात किया है और विदेश मंत्रालय में मुझे आश्वासन भी मिला कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी उनको लेके आएंगे वापस। भैया तो नहीं हटा लिया मोजा? काफ़ी चीज़ें हैं और मैं सिटी काफ़ी सुंदर है, सिटी के कंपेरिजन में सर अच्छा है सर।